नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अतीक अहमद को लेकर, जिस पर फैसला आने के बाद में अब उमेश पाल की मां, उसी उमेश पाल की मां जिसके बेटे को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर बम मारकर दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था, उसी उमेश पाल की मां का बयान आया है। बड़ी बात उन्होंने कही है, तर्क के साथ कही है। हालांकि उन्होंने मांग की है कि अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई गई है। कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से फैसला आया और उमेश पाल की जो पत्नी है उन्होंने क्या कुछ कहा है, सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा जो है वो सुना दी है। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में ये सजा सुनाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं और ये पहला मामला है जिसमें अतीक अहमद दोषी ठहराया गया है और उसको सजा मिली है। बड़ी बात यह भी है कि एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को कोर्ट से बरी कर दिया है। जिन 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी हैं। वहीं जिन्हें बरी किया गया है उनमें अशरफ उर्फ खालिद, अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक, एजाज अख्तर हैं। और इसी बीच माँ का और पत्नी का बयान जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। माँ ने कहा है कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए। पत्नी जयापाल का कहना है, योगी जी मेरे पिता के समान है, वो हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी बातें जो हैं उमेश पाल की माँ ने और उमेश पाल की पत्नी ने कही हैं वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया तो परिसर में वकीलों ने भी फांसी दो के नारे लगाए थे। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इसमें सीसीटीवी कैमरे और पर्दे लगे हुए थे। कोर्ट तक 10 किलोमीटर की दूरी 28 मिनट में तय की गई। अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। बड़ी बात है कि उमेश पाल की मां ने क्या कहा है। उमेश पाल की मां ने कहा है, मेरे बेटे का पहले इसने अपहरण किया, उसके बाद इसने मर्डर किया। वो लड़ रहा था, जैसे मेरे बेटे का मर्डर हुआ तो उसे फांसी होनी चाहिए। इसने जेल में रहते हुए मर्डर किया है, ये अगर जेल में रहेगा तो मेरे परिवार को भी मरवाएगा, इसलिए उसे यानी कि अतीक और अशरफ को फांसी होनी चाहिए। आगे माँ ने कहा है, अतीक अहमद ने मेरे बेटे का मर्डर कराया, 3 लोगों की जान गई। वो पुराना खूंखार बदमाश और डकैत है, वो नोटों के बल पर कुछ भी कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि उसे फांसी दी जाए। मेरा सिर्फ एक बेटा नहीं मरा है, 2 सुरक्षा कर्मी भी मरे हैं, ऐसे में मेरे 3 बेटे मारे गए हैं। उसे अपहरण मामले में भले ही उम्र कैद की सजा सुनाई है लेकिन मर्डर के केस में उसे फांसी दी जाए। लेकिन इस बीच पत्नी का भी बयान आया है। पत्नी का नाम है जयापाल। उन्होंने कहा है, मैं घर पर अकेली हूं, इसलिए मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि मेरी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अतीक को अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस फैसले पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मेरे पति के मर्डर केस में अतीक को फांसी की सजा दिलाई जाए। हालांकि इस बीच आपको यह भी याद दिला दें कि उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को सुरक्षा देने से जो उसकी अपील लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है। अतीक ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है उसे सुरक्षा दी जाए। अतीक ने कहा था कि यूपी की जेल में शिफ्ट वो नहीं होना चाहता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पत्नी और मां ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि अपहरण के मामले में भले ही उसे उम्र कैद की सजा हो गई हो लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें तो अतीक को फांसी ही होनी चाहिए। मां ने तार्किक तौर पर बात कही है कि जिस तरीके से अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए इतने बड़े कांड को अंजाम दिया, इतना खूंखार अपराधी होने के नाते वो इस वक्त भी अगर जेल में रहता है तो इस वक्त भी वो कुछ भी करवा सकता है। उसका परिवार यानी कि उमेश पाल का जो परिवार है वो अभी भी खतरे में है। तो ये बड़ी बात जो है माँ ने कही है, पत्नी ने कही है। माँ और पत्नी के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और जो उनकी मांग है उस पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।